Hello student, in this video I am going to discuss with you the most important topic, aldehyde ketone carboxylic acid. That is, it is important for board exam, NCERT, CET, JEE, NEET and other competitive exam also. ठीक है, so इस video में हम देखेंगे preparation method. The first preparation method is by controlled oxidation method. So first reaction is when primary alcohol reacts with mild oxidizing agent, then aldehyde will form. Aldehyde तैयार होता है. When secondary alcohol reacts with mild oxidizing agent, then ketone will form. Primary alcohol contains which group? CH2OH. Primary alcohol में कौन सा group होता है? CH2OH. और secondary alcohol में कौन सा group रहता है? CHOH. सेकेंडरी अल्कोहल में कौन सा ग्रुप रहता है? CHOH. मैंने इधर राउंड किया है बच्चों, आपको समझाने के लिए. CH2OH का कन्वर्जन CHO में करना है विद द हेल्प ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. CH2OH का कन्वर्जन CHO में, जो बाकी का R ग्रुप है, जो कुछ बचा हुआ ग्रुप है, वो एज इट इज एंसर में आता है. ओनली CH2OH कट होके उधर कौन सा ग्रुप हम अटैच करेंगे? CHO ग्रुप अटैच करेंगे. That is formation of aldehyde takes place. Secondary alcohol में CHOH जो ग्रुप है, CHOH वो हटाकर कौन सा ग्रुप आता है? कार्बोनिल ग्रुप, C double bond O. That is ketone formation will take place. ये तो थी general reaction. इस पर question किस तरह से पूछे जाते हैं board exam के लिए, CET के लिए, JEE NEET point of view, ये भी मैं आपको बताऊंगा. उससे पहले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेक्सटबुक में कौन कौन से है? K2Cr2O7 डायल्यूट H2SO4, कॉपर, PCC, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC, पिरिडिनियम डाइक्रोमेट, कुछ इस तरह से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेक्सटबुक में मेंशन किए गए हैं. बट उससे भी ज़्यादा जो NCERT में लगेंगे आपको, मीन्स JEE NEET पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के लिए लगेंगे, उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए मैंने आपको एक लिस्ट दूंगा. मैं वो लिस्ट पढ़ने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो देखते हैं हम वो लिस्ट, कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. रोल तो यही होगा प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन. तो दिस इज द लिस्ट ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसकी लिस्ट मैंने इधर आपको दी है. ठीक है, वो लिस्ट ध्यान से देखो. 12 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7 H2SO4 डायल्यूट रहना चाहिए H2SO4 या फिर कोल्ड. नेक्स्ट है जोन्स रिएजेंट, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जोन्स रिएजेंट? जोन्स रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, किसका कॉम्बिनेशन है? जोन्स रिएजेंट मींस व्हाट? सो जोन्स रिएजेंट मींस CrO3 प्लस H2SO4 एंड एसीटोन, इस सभी का कॉम्बिनेशन, इस सभी का मिक्सचर, इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट. थर्ड है फेंटॉन्स रिएजेंट. देखो थर्ड है फेंटॉन्स रिएजेंट. फेंटॉन्स रिएजेंट को याद कैसे रखे? फेंटॉन में स्टार्टिंग लेटर कौन सा? यफ. सो इधर भी स्टार्टिंग लेटर कौन सा? यफ. इस तरह से आप याद रख सकते हैं. एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे रिएजेंट्स से फॉर्मूले भूल सकते हैं आप, इसलिए मैंने याद कैसे रखना है उसकी ट्रिक भी बता रहा हूँ. सो फेंटॉन्स रिएजेंट FeSO4 हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसका मिक्सचर यूज करना है. नेक्स्ट सैरेट रिएजेंट. नेक्स्ट कौन सा है? सैरेट रिएजेंट. सैरेट रिएजेंट मीन्स वॉट? PCC इन CH2Cl2 डाइक्लोरोमिथेन और मिथाइलिन डाइक्लोराइड. PCC मीन्स वॉट? पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट इन CH2Cl2, उसको बोलते हैं सैरेट रिएजेंट. नेक्स्ट है PDC. PDC मीन्स पायरिडिनियम डाइक्रोमेट. क्या होता है? CrO3 इन पायरिडीन इन H2O. पायरिडीन इन H2O. नेक्स्ट है हेलोजन, दैट इज स्पेशली क्लोरीन. नेक्स्ट है DMSO, डायमिथाइल सल्फोक्साइड कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 इन ट्राइथाइल अमाइन C2H5 3CN. ट्राइथाइल अमाइन. नेक्स्ट है मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और एसीटोन. MnO2 CCl4 में लेना है या फिर MnO2 एसीटोन में लेना है हमको. नेक्स्ट है अल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इन एसीटोन.
एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड इन एसीटोन. नेक्स्ट सेरिक अमोनियम नाइट्रेट CaN. नेक्स्ट है 11 नंबर का सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3. सिल्वर कार्बोनेट. नेक्स्ट है कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर. अगर कॉपर यूज करते हो तो 573 केल्विन और सिल्वर 573 केल्विन. देखो अगर K2Cr2O7H2SO4 यूज किया तो फंक्शन वही रहेगा, प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन, सभी का फंक्शन वही है. बट K2Cr2O7H2SO4 डाला आपने तो बाय प्रोडक्ट वाटर तैयार होगा. अगर आपने कॉपर या फिर सिल्वर इस्तेमाल किया तो बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन तैयार होगा. समझ में आ गई बात. दिस इज द लिस्ट ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसमें से कौन सा भी और एक भी है OH-KMnO4, उसको अल्कलाइन KMnO4 भी कहा जाता है, बेयर्स रिएजेंट, वो भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. विद द हेल्प ऑफ दिस लिस्ट यू कैन सॉल्व एनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन या और प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है. सो इसका यूज कैसे करते हैं बच्चों वो हम देखेंगे. ठीक है. ये तो थी जनरल रिएक्शन. जनरल रिएक्शन ध्यान से पढ़ो. CH2OH प्राइमरी अल्कोहल मीन्स व्हाट? CH2OH का कन्वर्जन किस में करना है? CHO में. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा भी रहने दो. ठीक है. तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं ये हम देखेंगे. सेकेंडरी अल्कोहल का क्या हो गया? कीटोन. ये जो राउंड किए गए हैं ना उस पर ध्यान दो बच्चों. ठीक है. ये शॉर्ट ट्रिक बताइए मैंने. अब क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे देखो. अगर फर्स्ट रिएक्शन पर मुझे क्वेश्चन तैयार करना है फर्स्ट रिएक्शन पर तो मैं आर ग्रुप कुछ तो लूंगा CH3CH2OH. ठीक है. इधर मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो आंसर क्या तैयार हो गया? CH3CHO. आंसर कौन सा तैयार हो गया? CH3CHO. इसका नाम है इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल. इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेनॉल. इथाइल अल्कोहल का कन्वर्जन एसिटाल्डिहाइड में किया है. वेरी सिंपल थिंग. देखो अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करें हम? जो टेक्स्ट बुक में है वो लिखेंगे K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4. इससे क्या तैयार होता है? ऑक्सीजन. ठीक है. सो ऑक्सीडेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं. दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो H2O रिमूव करो. ठीक है. H2O रिमूव करो AH2 और ये ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो बाय प्रोडक्ट कौन सा तैयार हो गया? वाटर H2 एंड दिस O H2O. बाकी का एज इट इज रहेगा CH3CHO. मीन्स क्या है? CH2OH का कन्वर्जन आपने CHO में किया. इथाइल अल्कोहल का कन्वर्जन आपने किस में कर दिया? एल्डिहाइड में कर दिया. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इस रिएक्शन पर? मैं बोर्ड एग्जाम की अब बात करूंगा. बोर्ड एग्जाम पर क्वेश्चन क्या पूछेंगे देखो. इथाइल अल्कोहल का कन्वर्जन किस में किया है? एसिटाल्डिहाइड में. सो पहला क्वेश्चन बनता है कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल टू इथेनॉल या फिर एसिटाल्डिहाइड. कौन सा भी लिखो. इथेनॉल या फिर एसिटाल्डिहाइड. ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बोर्ड एग्जाम के लिए 2 मार्क के लिए सवाल इस तरह से तैयार किए जाते हैं. आर ग्रुप ओनली चेंज करना है. जो आर ग्रुप इधर है वही आर ग्रुप आंसर में भी आता है. ओनली कन्वर्जन चेंजेस किस में होते हैं बच्चों? CH2OH का कन्वर्जन किस में होता है? CHO में होता है. सो कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल टू इथेनॉल या फिर कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल टू एसिटाल्डिहाइड, कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनॉल, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. या फिर ऐसे भी पूछे जा सकते हैं बोर्ड के लिए, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनॉल फ्रॉम इथेनॉल. आप इथेनॉल तैयार कैसे कर सकते हैं इथेनॉल से? तो नंबर ऑफ मेथड से एक मेथड मैंने आपको बताई, ऑक्सीडेशन मेथड से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. सो अगर बोर्ड के लिए 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, तो ओनली रिएक्शन के लिए 1 मार्क होगा या फिर 1.5 मार्क होगा. जो 1.5 मार्क है वो मार्क है एक्सप्लेनेशन का. एक्सप्लेनेशन क्या है? जो भी रिएक्शन आप लिखोगे उसका 1 या फिर 2 सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा आपको, उसको मार्क है बच्चों.
व्हेन इथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विथ K2Cr2O7 डायल्यूट H2SO4 इट गिव्स एसिटाल्डिहाइड. पोटेशियम डायक्रोमेट है. K2Cr2O7 मीन्स पोटेशियम डायक्रोमेट. व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विथ K2Cr2O7 एंड डायल्यूट H2SO4 इट गिव्स एसिटाल्डिहाइड. ये एक्सप्लेनेशन लिखा तो भी चलेगा. ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने आपको बता दिया है. मैं सेकेंडरी अल्कोहल का भी एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा ताकि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए, प्राइमरी अल्कोहल के और सेकेंडरी अल्कोहल के भी. ठीक है, अगर मैंने मान लो इधर ये कंपाउंड रख लिया, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपेन टू ऑल, इसको कहेंगे प्रोपेन टू ऑल. क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, प्रोपेन टू ऑल का कन्वर्जन कीटोन में करो क्योंकि दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है, कीटोन. इसको बोलेंगे डायमिथाइल कीटोन या फिर एसीटोन. ठीक है, या फिर एसीटोन. देखो सेकेंडरी अल्कोहल मींस दिस ग्रुप CHOH, OH जिस कार्बन पर अटैच है उसका नेचर क्या है, दिस इज द सेकेंडरी कार्बन, सो सेकेंडरी अल्कोहल है ये टोटल. और CHOH का कन्वर्जन किसमें किया है हमने, C डबल बॉन्ड O में किया है. मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल का कन्वर्जन किसमें किया है, कीटोन में किया है. ठीक है, K2Cr2O7 डायल्यूट H2SO4, ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन, वाटर बाय प्रोडक्ट रहता है. ठीक है, H2 ये H और ये H और ये ऑक्सीजन, H2O तैयार होता है, एक ऑक्सीजन एज इट इज रहेगा. ठीक है, तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल का कन्वर्जन डाइमिथाइल कीटोन में हो रहा है. क्वेश्चन बोर्ड के लिए कैसे पूछा जाएगा इस रिएक्शन पर, देखो देखो दोनों नाम एक ही कंपाउंड के, दोनों में से कौन सा भी नाम यूज कर सकते हैं बोर्ड के लिए. देखो कन्वर्ट कन्वर्ट ये नाम लिखूंगा प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल टू एसीटोन, कन्वर्ट प्रोपेन टू ऑल टू एसीटोन. प्रोपेन टू ऑल का कन्वर्जन किसमें करना है, एसीटोन में करना है. सवाल तैयार हो गया, दो मार्क का क्वेश्चन है. रिएक्शन के लिए 1 मार्क या फिर 1.5 मार्क, और हाफ मार्क के लिए एक्सप्लेनेशन रहेगा. एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे इसके नीचे, व्हेन सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद K2Cr2O7 एंड डायल्यूट H2SO4 इट गिव्स डायमिथाइल कीटोन और एसीटोन. प्रोपेनोन भी कह सकते हैं इसको, प्रोपेन टू ONE. समझ में आ गई बात, रिएक्शन प्लस एक्सप्लेनेशन बोर्ड की रिक्वायरमेंट है. अब मैं बात करूंगा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं. ठीक है, ये तो बोर्ड का क्लियर हो गया, मैं सभी ले रहा हूँ बच्चों, आपका बोर्ड भी ले रहा हूँ, NCERT CET JEE NEET भी कंटेंट इसमें लूंगा ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए. ठीक है, अब मैं JEE NEET के एग्जाम की बात करूंगा. JEE NEET के लिए क्वेश्चन किस तरह से तैयार किए जाते हैं, देखो अगर मान लो मैंने एक ऐसा कंपाउंड तैयार कर लिया OH, डाइल्यूट H2SO4, ओके दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल. ये अल्कोहल सेकेंडरी है कैसे पता चल गया, क्योंकि OH कार्बन को अटैच है तो ओके दिस इज अल्कोहल. देखो बच्चों OH कार्बन को अटैच है हमेशा अल्कोहल ही नहीं होता, अगर OH बेंजीन के कार्बन को डायरेक्टली अटैच है तो उसको फिनॉल बोलते हैं, OH मेटल को अटैच है तो उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. ठीक है, OH कार्बन को इधर अटैच है साइक्लोअल्केन रिंग है, सो इसको बोलेंगे अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल है ये क्योंकि OH इस कार्बन को अटैच है और ये कार्बन किन कार्बन को अटैच है, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन. सो इस कार्बन का नेचर क्या है, दिस इज सेकेंडरी कार्बन, ए कार्बन सेकेंडरी है, तो टोटल अल्कोहल कौन सा हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल. इसको साइक्लोहेक्सेनॉल कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल, दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल. और आगे लिखेंगे कैपिटल ए या फिर फाइंड आउट द प्रोडक्ट, कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे. सपोज फर्स्ट ऑप्शन ऐसे दिया जाएगा, सेकंड ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया जाएगा,
थर्ड ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। मैंने चार ऑप्शन तैयार कर दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आपके सामने है, इस कंपाउंड में अगर K2Cr2O7 डाइल्यूट स्ट्रेसोपोर डाला तो कौन सा कंपाउंड तैयार होगा। चार ऑप्शन सामने खड़े हैं आपके, तो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले आपको याद रहना चाहिए दिस इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, K2Cr2O7 डाइल्यूट स्ट्रेसोपोर। सो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन याद रहना चाहिए बच्चों। इसके मैकेनिज्म डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, मैकेनिज्म भी हमको आनी चाहिए, ठीक है, बट टेक्स्ट में इसकी मैकेनिज्म ज़्यादा मेंशन नहीं की गई है। इसके रोल्स मेंशन किए गए हैं, रिएजेंट के रोल्स। सो इसका रोल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट क्या करता है वो कीटोन में, दैट इज कैपिटल ए क्या होगा, यस बच्चों दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉन। कौन सा आंसर आ गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। चार चार मार्क के लिए क्वेश्चन इस टाइप से भी तैयार होते, इससे भी हायर लेवल के तैयार कर सकते हैं क्वेश्चन, तो करेक्ट ऑप्शन भी हमको सिलेक्ट करना आना चाहिए। समझ में आ गई बात बच्चों, सीईटी के लिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, ये तो जेईई नीट के लिए मैंने आपसे क्वेश्चन तैयार कर दिया, दिस इज फॉर जेईई और नीट टाइप क्वेश्चन, ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चन तैयार कर दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको तैयार करके दे दिया है। अब मैं सीईटी की बात करूंगा, सीईटी लेवल के लेवल को किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इस तरह से कंपाउंड देंगे, ऑप्शन देंगे, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ए, रिएक्शन रिएक्शन में रिएक्टेंट तो दिया है K2Cr2O7 डाइल्यूट H+ में, डाइल्यूट H2SO4 एसिड्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है H+ से। सो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला है, सो आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, अरे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल क्या है K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 का, प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्जन किस में करता है वो एल्डिहाइड में, मीन्स ये ग्रुप तो कट होगा और इसकी जगह आंसर में कौन आएगा, CHO, ये तो R ग्रुप है, कैपिटल R ग्रुप, इथाइल ग्रुप है, तो वो तो आंसर में एज इट इज आ जाएगा। CH2OH का कन्वर्जन किस में होगा, CHO में, बाय प्रोडक्ट वाटर रहेगा, बट हमको मेन प्रोडक्ट पूछा गया है तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं CET में, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि CET के क्वेश्चन एंट्रेंस हायर लेवल पर नहीं पूछे जा सकते, कभी 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 हमको लगता है वन मार्क का क्वेश्चन है, फिर भी वो वन मार्क के लेवल का क्वेश्चन जेईई नीट में 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है बच्चों। इसलिए सभी पार्ट आप ध्यान से करो, बोर्ड का भी पार्ट और एनसीईआरटी का भी पार्ट, मैक्सिमम फोकस एनसीईआरटी पर करो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन के मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है, और एक एग्जाम्पल देता हूँ और हम नई रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। चलो प्रोडक्ट कौन सा होगा बच्चों, कौन सा प्रोडक्ट तैयार होगा, क्वेश्चन तो आपके सामने है। सो OH जिस कार्बन पर अटैच है वो कार्बन किस किन कार्बन को अटैच है डायरेक्टली, इस वाले फर्स्ट कार्बन को और इस वाले सेकंड कार्बन को, सो दिस इज सेकेंडरी कार्बन, सो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, ओवरऑल अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल। सो सेकेंडरी अल्कोहल का कन्वर्जन K2Cr2O7H2SO4 किस में करता है, या फिर इसमें से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा भी ले लो, इसका कन्वर्जन करता है कीटोन में। साइक्लोपेंटेनॉल का कन्वर्जन साइक्लोपेंटेनोन में करेगा, समझ में आ गई बात। कौन सा भी एग्जांपल ले लो, OH ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच है उसका नेचर ढूंढो पहले, वो प्राइमरी अल्कोहल है या फिर सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, ओके। फर्स्ट रिएक्शन आपको क्लियर हो गई, अब फर्स्ट रिएक्शन मैंने आपको डिटेल में सिखाई है, डिटेल में। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट रिएक्शन की बच्चों, वो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट आपको उसकी ट्रिक भी दूंगा मैं रिएक्शन करते समय,
ताकि आपको कम समय में वो रिएक्शन समझ में आ जाए। सो सेकंड रिएक्शन में दूंगा आपको, सेकंड रिएक्शन है अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल डायहलाइड अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल डायहलाइड। बच्चों इस पर जेई नीट के लिए क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप वाली रिएक्शन पर, इसलिए ध्यान दो। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल डायहलाइड, जेमिनल और विसिनल, डायहलाइड मीन्स व्हाट, दो हैलोजन रहते हैं बच्चों, डायहलाइड मीन्स दो हैलोजन, एक तो टाइप रहता है जेमिनल, इसको बोलते हैं जेम, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है जेम, और दूसरा टाइप है विसिनल, इसको बोलते हैं विस, वी आई सी, ठीक है, इस तरह से लिखा करते हैं। मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ इसकी, जेमिनल विसिनल डायहलाइड के एग्जैक्ट क्या है। सो जेमिनल डायहलाइड मीन्स व्हाट, कार्बन का नंबर कितना भी रहने दो कंपाउंड में, ठीक है, अगर एक कार्बन पर दो हैलोजन आते हैं, दो सेम हैलोजन, अगर एक कार्बन पर दो हैलोजन आते हैं तो इसको बोलते हैं जेमिनल डायहलाइड, अगर दो एडजेसेंट कार्बन पर दो हैलोजन आते हैं, एडजेसेंट नजदीक वाले कार्बन पर, अल्टरनेट नहीं बोल रहा मैं, अल्टरनेट पर नहीं रूल, एक तो एक सेम कार्बन पर दो हैलोजन आने चाहिए, किसी भी एक कार्बन पर, एक कार्बन पर दो हैलोजन एट ए टाइम, तो उसको जेमिनल बोलते हैं, और दो कौन से भी कार्बन ले लो कंपाउंड में से, और वो एडजेसेंट रहने चाहिए, एडजेसेंट या फिर सक्सेसिव, उस कार्बन पर अगर हैलोजन आ जाए तो उसको बोलते हैं विसिनल। अगर इसको हाइड्रोजन से मैं बैलेंस करूं तो कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, ठीक है, दिस इज द कंपाउंड। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये तो पार्ट 11th में भी है, बट मैं आपको अब क्यों बता रहा हूँ ये वाला पार्ट, कुछ बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता कि जेमिनल विसिनल का डिफरेंस क्या है, इस उनके लिए भी है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसका नाम पूछा जाता है कंपाउंड का, ये स्ट्रक्चर नहीं देते बच्चों, स्ट्रक्चर नहीं देते, इसके नाम से क्वेश्चन तैयार करते हैं। मीन्स क्या, इसका नाम है एक कार्बन पर दो हैलोजन है तो इसका नाम है इथाइल लिडीन डाइक्लोराइड। लिडीन बच्चों, लिडीन मीन्स एक कार्बन पर दो हैलोजन, दो हैलोजन एक कार्बन पर, लिडीन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, लिडीन, एल आई डी ई एन ई, अगर दो एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन है तो इसका नाम है इथाइलिन डाइक्लोराइड। इसका आईयूपीएसी नेम है इधर 1211 डाइक्लोरोइथेन, इधर एक नंबर, इधर दो नंबर, 11 डाइक्लोरोइथेन, इधर क्या है 12 या फिर 12 डाइक्लोरोइथेन, समझ में आ गई बात, ये 11 डाइक्लोरोइथेन है, ये 12 डाइक्लोरोइथेन है। हमारा रिएक्शन का हेडिंग क्या है, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल डायहलाइड, मीन्स हमको तो यही पार्ट लगने वाला है, यही पार्ट रिएक्शन में यूज होगा, विसिनल की तो बात ही नहीं करेंगे हम, बट आपको विसिनल पता रहना चाहिए, जेमिनल और विसिनल का डिफरेंस, इसलिए मैंने ये पार्ट आपको डिटेल में बता दिया है। अब ये पार्ट के नाम इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यों कहा इससे आपको, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइलिडीन डाइक्लोराइड गिव्स डॉट डॉट, ऐसे सेंटेंस में पूछा जाएगा। सो इथाइलिडीन डाइक्लोराइड का फॉर्मूला बहुत बच्चे इस तरह से लिखते हैं, अरे ये तो इथाइलिन डाइक्लोराइड है, इथाइलिडीन मीन्स ये वाला, एक कार्बन पर दो हैलोजन आए तो लिडीन, तीन कार्बन रहे तो प्रोपाइलिडीन, चार कार्बन रहे तो ब्यूटाइलिडीन, इधर दो कार्बन है एडजेसेंट कार्बन पर है इथाइलिन, तीन कार्बन रहते प्रोपाइलिन, चार को ब्यूटाइलिन, पांच को पेंटाइलिन, ऐसे कहा जाता बच्चों, ठीक है। सो बात करेंगे हम जेमिनल डायहलाइड की, अब क्योंकि इसका यूज रिएक्शन में होगा, देखो किस तरह से रिएक्शन में इसका यूज करते हैं, ओके, ये तो क्लियर हो गया आपको, इस रिएक्शन की थ्योरी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दी है, जेमिनल विसिनल का डिफरेंस। अब जेमिनल कंपाउंड में एक देता हूं, चलो एक कंपाउंड मैंने ले लिया, इस पर क्वेश्चन क्या तैयार होता है बोर्ड को, जेई नीट को, वो भी बताऊंगा।
जेमिनल है तो इधर क्लोरीन क्लोरीन ले लिया मैंने, या फिर ब्रोमीन ब्रोमीन, इस कार्बन पर लो या फिर इस कार्बन पर लो, बाकी के क्या होंगे, हाइड्रोजन। अगर आपने एक्वियस के ओएच यूज किया या फिर एक्वियस एनएओएच, एक्वियस यूज करना है, अल्कोहलिक यूज नहीं करना बच्चों, अल्कोहलिक यूज नहीं करना, एक्वियस के ओएच या फिर एक्वियस एनएओएच, के ओएच या फिर एनएओएच। देखो एक्सेस अमाउंट में है तो इसका नाम है इथाइलिडिन डाइक्लोराइड या फिर 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन इसका नाम है, ठीक है। तो NaOH मैं इस तरह से लिखता हूँ, एरो के ऊपर NaOH लिखा है, इसका मतलब है NaOH इस कंपाउंड के आसपास ही होगा, ठीक है। सो Na क्या करेगा, इस Cl को हटाएगा, ये Na क्या करेगा, इस Cl को हटाएगा, कितने NaCl रिमूव हो गए, 2 NaCl रिमूव हो गए, और Cl की जगह किसने ली, देखो Cl की जगह किसने ली, 2 OH ने ली बच्चों। एक कार्बन पर दो हेलोजन रहते तो जेमिनल डायहैलाइड बोलते हैं, ओके। बट एक कार्बन पर दो OH रहे, एक कार्बन पर दो OH ग्रुप रहे तो इसको जेमिनल वगैरह नहीं यूज करते वर्ड। देखो दो, एक कार्बन पर दो OH रहे तो दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड, ध्यान में रखो हमेशा, एक कार्बन पर दो OH इट इज अनस्टेबल केस, मीन्स इस कंपाउंड का कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ हीटिंग नेक्स्ट कंपाउंड में होता है जल्दी से, मीन्स H2O रिमूव होता है बच्चों, क्या तैयार होता है, H2O बाय प्रोडक्ट रहता है। बट H2O किस में निकाले, OHH, OHH, ऐसे नहीं, दो OH जो है ना, दो OH बच्चों, दो OH उसमें से ही H2O निकालना है आपको। देखो इसमें से एक OH, इसमें से एक H, OH और H चला गया, बाकी का कंपाउंड क्या रह गया, CH3CHO, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल, ठीक है। मींस हमारा एम क्या है, दिस इज द प्रिपरेशन मेथड। सो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डायहैलाइड, अल्कलाइन मींस व्हाट, अल्कली यूज करेंगे, बेसिक कंपाउंड यूज करेंगे, हाइड्रोलिसिस मींस OH ग्रुप हमको ऐड करना है। सो दिस इज द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डायहैलाइड, मींस इस कंपाउंड से कंपाउंड बन गया एसिटाल्डिहाइड, कीटोन भी तैयार कर सकते हैं बच्चों। बट क्वेश्चन क्या तैयार होगा इस रिएक्शन पर, ये पहले मैं बताऊंगा आपको, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो इसका क्वेश्चन है कन्वर्ट इथाइलिडिन इथाइलिडिन डाइक्लोराइड टू इथेनॉल, इथाइलिडिन डाइक्लोराइड का कन्वर्जन इथेनॉल में करो या फिर एसिटाल्डिहाइड, दोनों के नाम एक कॉमन नेम है, एक IUPAC नेम है, ठीक है, दोनों में से एक नाम तो यूज होगा, ओके। सो इथाइलिडिन डाइक्लोराइड से इथाइलिन डाइक्लोराइड का कन्वर्जन इथेनॉल में करने के लिए हमको ये सब प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी, ये डिटेल में लिखना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम को 2 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन क्या होगा, व्हेन इथाइलिडिन डाइक्लोराइड रिएक्ट्स विद एक्वियस एनएओएच इट गिव्स अनस्टेबल कंपाउंड, आफ्टर हीटिंग इट लूजेस वाटर मोलिक्यूल एंड फाइनली इट गिव्स एसिटाल्डिहाइड, फाइनली इट गिव्स एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। ये रही बोर्ड वाली बात, रिएक्शन प्लस एक्सप्लेनेशन। अब मैं सीईटी वाली बात करता हूँ आपसे, सीईटी में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, इसका नाम तो नहीं दिया होगा, ठीक है, ये तो आपको ही करना पड़ेगा सभी। सीईटी या फिर जेई नीट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो, फाइंड प्रोडक्ट बी इस तरह से पूछे जाएंगे, ये देंगे आपको रिएक्टेंट देंगे प्रोडक्ट पूछेंगे, या फिर प्रोडक्ट देंगे रिएक्टेंट पूछा जाएगा, या फिर फाइंड ए एंड बी ऐसे भी पूछा जाएगा, ओके। रिएक्टेंट आपके सामने है, प्रोडक्ट आपके सामने है,
क्लियर। जेई नीट के लिए भी क्वेश्चन इस तरह से तैयार किए जाते हैं बच्चों। इसका आंसर तो एसिटाल्डिहाइड ही होगा, ठीक है, वही रिएक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं दूसरा वाला क्वेश्चन देता हूं बच्चों आपको। देखो, अगर ठीक है, ये वाला कंपाउंड मैंने आपके सामने रखा, 2-2 डाइक्लोरो प्रोपेन, 1-2-3, 1-2-3, 2-2 डाइक्लोरो प्रोपेन, प्रोपाइलिडिन डाइक्लोराइड भी कहा जा सकता है इसको। अगर इसकी रिएक्शन एक्वियस NaOH या फिर एक्वियस KOH के साथ की जाए, एक्वियस KOH सपोज दे दिया मैंने, सो एक्वियस KOH एक्सेस अमाउंट में है, KOH इधर लिखा, तो KCl, कितने KCl निकल जाएंगे बाय प्रोडक्ट, KCl और दूसरा वाला KCl, KCl दो निकल जाएंगे, तो प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा बच्चों, CH3COH, ये वाला प्रोडक्ट आपके सामने रहेगा। सो एक कार्बन पर दो OH, इट इज अ हाईली अनस्टेबल केस। अनस्टेबल केस में से क्या होगा, H2 निकल जाएगा। H2 कहां से निकलना है, जो दो OH तैयार हुए हैं एक कार्बन पर उसी में से H2 निकालो, एक का OH निकालो, एक का H निकालो। दिस इज द एसिटाल्डिहाइड, सॉरी दिस इज द एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड ने एसीटोन तैयार होगा, CH3COCH3, दिस इज एसीटोन, CH3CO एंड देन CH3, ये तो OH चला गया, एक H चला गया, एसीटोन तैयार होगा, डायमिथाइल कीटोन। समझ में आ गई बात, CET पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इधर कैपिटल A लिखेंगे, इधर कैपिटल B लिखेंगे, फाइंड A एंड B या फिर फाइंड B, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट थिंग है इस रिएक्शन की, मैं आपको बताऊंगा, अगर हैलोजन, बच्चों ध्यान से सुनो, अगर हैलोजन, जो दो हैलोजन है, कार्बन का नंबर कितना भी रहने दो, कार्बन का नंबर कितना भी रहने दो उस रिएक्शन में, रिएक्टेंट पर, अगर दो हैलोजन फर्स्ट कार्बन या फिर लास्ट कार्बन पर आते हैं, टर्मिनल कार्बन पर आते हैं, तो आपका फाइनल आंसर एल्डिहाइड ही होगा। अगर दो हैलोजन स्टार्टिंग कार्बन या फिर एंडिंग कार्बन, स्टार्टिंग या फिर एंडिंग कार्बन के बीच में किधर भी आते हैं, तो फाइनल आंसर कीटोन ही होगा बच्चों, कीटोन ही होगा आंसर। कैसे होगा कीटोन, देखो मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं, पहला वाला भी एग्जांपल हो चुका है, सेकंड एग्जांपल हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चन तैयार करता हूं। हैलोजन दो ब्रोमीन लिए तो भी चलेगा, ठीक है। अब मैं कुछ जेई नीट के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे, इस तरह से देंगे, फाइंड ए एंड बी, बड़ा वाला कंपाउंड भी देंगे, बट पार्ट तो यही इंपॉर्टेंट है ना, कुछ भी बड़ा वाला कंपाउंड मैं इधर ड्रॉ कर सकता हूं। सो एक कार्बन पर दो हैलोजन है, सो NaOH NaOH इधर लिखो, सो क्या निकल जाएगा, NaCl, दो NaCl निकल गए, 1-2-3-4, 1-2-3-4, एक कार्बन पर कितने OH आ गए, दो OH, इट इज हाईली अनस्टेबल केस, इसमें से क्या आ जाएगा, OH और EH, आंसर क्या आ जाएगा, देखो 1-2-3 कीटोन लिखो, इथाइल मिथाइल कीटोन या फिर Butane-2-ONE, दिस इज द आंसर। कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हैलोजन, दो हैलोजन अगर स्टार्टिंग या फिर एंडिंग कार्बन के बीच में किधर भी है, दो हैलोजन एक ही कार्बन पर, तो फाइनल आंसर कीटोन ही होगा। अगर ये दो हैलोजन मैंने इधर रखे होते लास्ट कार्बन पर या फिर इधर फर्स्ट कार्बन पर, तो फाइनल आंसर एल्डिहाइड होता। देखो, हैलोजन स्टार्टिंग या फिर एंडिंग पर रहे, फाइनल आंसर एल्डिहाइड, बीच में किधर भी रहे, फाइनल आंसर कीटोन। समझ में आ गया, ठीक है। और एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ बच्चों में सॉल्व करने के लिए, जेई नीट का बहुत सारे एग्जाम्पल तैयार कर भी सकते हैं हम। देखो, चलो जेई नीट के लिए मैंने एग्जांपल तैयार कर दिया, तो एक्वियस NaOH से क्या होगा, NaCl, NaCl निकल जाएगा, 2 NaCl बाय प्रोडक्ट होगा,
ये प्रोडक्ट कौन सा होगा? ठीक है, एक कार्बन पर दो OH आ गए, कैंसल, H2O तैयार होगा। चलो कीटोन तैयार हो गया, कीटोन प्रोडक्ट है बच्चों, कीटोन। समझ में आ गया फाइंड ANP कैसे निकाले? ओके, आज के लेक्चर में हमने कौन सी रिएक्शन डिस्कस की? प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, फर्स्ट कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन एंड सेकंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डायहाइड। आपको अच्छे तरह से रिएक्शन समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।